everyone, this is Subhashree and I'm back with my new video. तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले वो तो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। तो मैं आपको और एक चीज बता दूं, ये जो फेशियल वगैरह का वीडियो होता है ना, ये बॉयज गर्ल्स दोनों यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि खाली लड़कियां यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलोवेरा फेशियल के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एलोवेरा की। हम ले लेंगे कुछ एलोवेरा एंड हम एक स्पून के थ्रू से उससे सारा एलोवेरा निकाल लेंगे एक बाउल में एंड उसको मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसको नॉर्मली मिक्स कर रही हूँ, आप चाहो तो इसको ग्राइंडर में भी मिक्स कर सकते हो अच्छा पेस्ट बनाने के लिए। एलोवेरा मिक्स हो गया है, हम अभी स्टार्ट करेंगे हमारा एलोवेरा फेशियल। पहला स्टेप है क्लिंजिंग। क्लिंजिंग के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे थोड़ा सा मिल्क, उसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा एलोवेरा एंड उसको मिक्स कर लेंगे। यह अभी मिक्स हो गया है, अभी फेस पे अप्लाई करेंगे। एलोवेरा जो है उसमें विटामिन ई एंड विटामिन सी बोथ होते हैं, ये हमारे स्किन को अंदर से क्लीन करता है एंड मिल्क एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है, ये हमारे डेड स्किन को रिमूव करता है। तो हमारा क्लिंजिंग ख़त्म हुआ है, अभी हम एक कर्टन के थ्रू से इसको क्लीन कर लेंगे। सेकेंड स्टेप है स्टीमिंग। स्टीमिंग के लिए हम ले लेंगे गर्म पानी एंड हम एक टॉवल या कोई स्टॉल के थ्रू से स्टीम लेंगे इसी तरह। स्टीम लेना हमारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी स्किन को डीपली क्लीन करता है एंड हमारे स्किन का जो ब्लैकहेड्स होता है ये इजीली उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। स्टीम हो गया, अभी हम फेस को क्लीन कर लेंगे। थर्ड स्टेप है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ राइस फ्लावर, उसमें मैं ऐड कर दूँगी एलोवेरा एंड मिल्क का एक पेस्ट। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड उसको अप्लाई करेंगे अभी हम फेस पे। राइस फ्लावर में होता है विटामिन बी जो हमारे स्किन को नया सेल्स प्रोडक्ट करने में हेल्प करता है। राइस फ्लावर एंड एलोवेरा का स्क्रब यूज करने से हमारे स्किन में जो एक्ने एंड पिगमेंटेशन का स्पॉट्स होता है उससे हमको राहत मिलता है एंड हमारे स्किन में जो डेड सेल्स होता है ये उसको रिमूव करके स्किन को एक नेचुरल ग्लो देता है। हमारा स्क्रब ख़त्म हो चुका है, हम एक कर्टन के थ्रू से फेस को क्लीन कर लेंगे। फोर्थ स्टेप है फेस मसाज। इसके लिए मैं ले लूँगी एलोवेरा के साथ थोड़ा सा ग्लिसरीन एंड उसको मिक्स कर लेंगे एंड इससे हम फेस मसाज करेंगे। फेस मसाज हमारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्किन से सारा गंदगी निकाल देता है एंड हमारे जो डेड स्किन होता है उसको ये निकाल के स्किन को एक नेचुरल ग्लो देता है एंड इसमें जो ग्लिसरीन यूज हुआ है ये ग्लिसरीन हमारे स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाता है एंड हमारे स्किन का जो टेक्स्चर है ना उसको ये इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। स्पेशली जिनका ड्राई स्किन है ये उनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो हमारा फेस मसाज ख़त्म हो चुका है, अभी हम फेस को क्लीन कर लेंगे। फाइनल स्टेप है फेस पैक। इसके लिए मैं ली हूँ एलोवेरा के साथ थोड़ा सा हल्दी, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लेंगे एंड इसका मिक्सर बना लेंगे। अभी हम अप्लाई करेंगे इसको फेस पे। तो हल्दी का बहुत सारा बेनिफिट्स है, इसका ये पैक यूज करने से हमारे जो आकने का प्रॉब्लम है वो दूर होता है, हमारे स्किन में अगर रिंकल्स आता है रिंकल्स को भी ये दूर करेगा, अगर कोई ब्लैक स्पॉट्स है आपके फेस में ये उसको भी क्लीन करेगा। फेस पैक लग चुका है, अभी हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये अभी ड्राई हो चुका है, हम इसको अभी क्लीन कर लेंगे एंड अभी हमारा फेशियल कंप्लीट हो चुका है एंड आप अभी देख सकते हैं स्किन कितना ग्लो कर रहा है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना एंड ये वाला फेशियल जरूर ट्राई करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।